वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्चं श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखावितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भवताय तद्भक्ताय नमो नमः अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्य श्रीवैष्णवेभ्यो नमो श्रीगुरुगौरनिताय पदवन्दं वारंवार श्रीहरिनाम सुनाय के भवसोऽभिभवान् श्रीराधारंगिनी के चरणवन्दं वारंवार जिनकी कृपा कटाक्ष को चाहत नंद कुमार श्री राधा नव नागरी नागर सुंदर श्याम कवन नयनन सोनी रखूं प्यारे श्यामा श्याम जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुण धाम सन किन कन के पितर दो पुनि पुनि करो प्रणाम श्री राधा रमण बाधा मंगल करण श्री श्याम कृपा करो मेरे अवसो प्यारे श्यामा श्याम श्रीलाडली लाल की श्रीलाडले लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बरसाने वाली की जय श्री कनक बिहारी बिहारिणी जू सरकार की श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की श्री विवाह महोत्सव जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव अगहन अधिक और मोदन में सियमोद निरख निरख सिया राम विवाह
मेरे ही में अति क्रोध। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर बिराज सब गुण। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि परम कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, महावीर विक्रम भजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, चंदन वरन विराज सुवेशा, आनंद कुंभल कुंभित केसा, हाथ ब्रज भर भजाजे, बांधे मूल जनेऊ धाके, शंकर सुमन मीश नंदन, वेद प्रताप महाजग वंदन, विद्यावान राम काज करिवे प्रिय भरत मंत्र लोक महावीर जब नाम सुनावे, नाम से रोग हरि सब पिया, सतग्रंथ हर हनुमत जीरा, संकट से हनुमान लावे, मन कम भजन ध्यान जप लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम दाता, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन बल पावे, चारों जग पर भाव तुम्हारा, है पर दिव्य जगत उजियारा, साधु संत के पुर रखवारे, अजुर निकंदन राम गुलारे, हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, श्री राम लखन सीता हृदय बसौ सुरगो, लाल देह लाली लसे अधर लाल लंगूर, रज देह दानव दर जय 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 कबीर। कुछ करना है? नहीं नहीं ठीक सही है, बिल्कुल हरि बोल। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम।
श्री राधे श्याम जय राधे सीता राम जय सीता जय जय सीता राम भजो जय जय राधे श्याम जय जय सीता राम भजो जय जय राधे श्याम सीता राम जय सीता राम जय श्याम जय श्री सीताराम भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। श्री कनक बिहारी बिहारिणी जो महाराज की जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव जो सुमिरत सिधि होई जन नायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन मुख हुई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन दयाल सकल कलिमल नील सरोर श्याम करुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर धाम सदा चीर सागर शयन कुंदिंदु समरे कुमार मन करुणायन जाहि दीन परमेहर बंदौ गुरु पल खंड कृपा सिंधु हर रूप हरि महामोह तव पूज दासु वचन कर भी कर भी कर हे गुरुदेव हरि जय गुरुदेव हरि जय गुरुदेव घूमते पधारो गणपति गणपति मोरे आंगन वामे मोरी अचरिया फे मोरे आंगन वामे गणपति मोरे आंगन
श्री गणपति गणेश भगवान बालकांड 216 ये तो सबको मानस जी भी है सबको उनको बड़ी दे दो उनको लिखने में दिक्कत है। बालकांड 216 दोहा ऑन कर दिया राम लखन दो बंधुवर रूप सील बलधाम मख राखे सब रा साखी जगु जिते असुर संग्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। मेरे मिथिला धाम में हरिधारे गुलहावे सुन यादे यही उपासना चाहिए हमें हमेशा जो सुख भासी अमा तुम देखो राम भरवेश सो न सकही कही कल्प शत सहस शारदा से मंगलमय मिथिला अवध मंगल विपिन प्रमोद मंगलमय सिया राम जो जो मोदहु के मोद और मासन में अगहन अधिक नवरस में श्रृंगार तैसे ही सब उत्सवन में यह व्याह उत्सव सुख सार। बोलिए श्री विवाह महोत्सव की बधाई हो बधाई हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता फिर भी कहीं से तो कुछ अवलंबन लेना पड़ेगा श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव में प्रवेश करने के लिए। राम जी ने भी भैया लखन जी के साथ संतों का आश्रय लेकर विश्वामित्र मुनि जी के चरणों का आश्रय लेकर और अन्य अन्य संतों के कार्य सवार कर उनका अवलंबन करते हुए श्री राम मिथिला में प्रवेश करा है और मिथिला बिनु संबंध नहीं दर्शे वहां कुछ दरवाजा हो तो वो लगा दो वहां दरवाजा बंद करवा दो तो संबंध जोड़ना पड़ता है तब वो मिथिला रस समझ में आता है। श्री भैया राम लखन ने भी श्री विश्वामित्र जी का अनुगत्य लिया है और अनुगत्य वही है कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। कहीं पर भी श्री राम ने अपनी इच्छा प्रकट नहीं करी इससे बिल्कुल पहले का प्रसंग है जब ताड़का को मारकर गंगा जी के तीर पर आकर विश्राम करा है तब राम जी ने इच्छा नहीं करी लेकिन विश्वामित्र जी ने गंगा जी की संपूर्ण कथा सुनाई है। एक भी प्रसंग में ऐसा नहीं कि जहां राम जी इच्छा कर रहे हो
कि गुरुदेव मेरी ये इच्छा है, कब तक? जब तक जनकपुर में प्रवेश नहीं करा, उसके बाद तो इच्छा करी है। तो अनुगति वही है जब किसी संत के चरणों का आश्रय लेकर इसी भाव से कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक ट्रेन के डब्बे को चिंता नहीं कहां जाना है, इंजन में बैठे ड्राइवर को चिंता है कहां ले जाना है। इसलिए पूर्ण समर्पण उनको कर दो, तब क्या होगा? तब वो जहां भक्ति महारानी निवास करती हैं, ऐसे अति पावन श्री जनकपुर धाम में हम ले आएंगे, और बिना भक्ति के भगवंत नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिए उन्हीं के आश्रय से श्री राम जी आज जनकपुर में प्रवेश किए हैं। हे बड़ो प्यारो जनकपुर धाम, धरनी को की को है। ये पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड की, ये जो पृथ्वी की धरा है, इसका टीका है। इसको भारत माता के स्वरूप में मस्तक की उपाधि श्री धाम अयोध्या को दी है, उससे ऊपर क्या दें? तो जनकपुर को उससे ऊपर की क्या दें उपमा? तब कहा, ये उस मस्तक की शोभा है जैसे बड़ो प्यारो जनकपुर धाम, इस धरनी को टीको है। बड़ो प्यारो ज्ञान प्रेम को अद्भुत संगम, ज्ञान प्रेम को अद्भुत संगम, ज्ञान प्रेम को अद्भुत संगम, मंथन होत सतत निग मागम, जहाँ मुनि जन मन विश्राम, धरनी को पीको है। जहाँ मुनि जन मन विश्राम, धरनी को पीको है। बड़ो प्यारो जनकपुर धाम, जहाँ प्रगति श्री जनक नंद की, राम लखन दौ बंधु बर, रूप सील बल धाम, मकरा भयो सब सारी जनो जिते असुर संग्राम। बड़ो प्यारो जनकपुर धाम, धरनी को पीको है। मुनि तव चरण देखी कह राहु, कहि न सकहु निज रहु सुंदर श्याम गौर दौ भाता, आनंद हुए परस पर पावनी कहीं न जाए।
सबको निहार रहे हैं नैना मटका मटका के सबको क्योंकि बड़ो प्यारो धरनी को मुने ही प्रसन्न सिदाई पद सीसु ये बड़ो जानो जनक कुल धाम भरनी हो प्यारो जनक पुर धामी को है बड़ो प्यारो जनक मेरी दशरथ के दोनों ललनवा जनक जी ने अमराई के बाग से श्री विश्वामित्र जी संत मंडली के सहित लक्ष्मण राम जी के साथ आम के बगीचा में विश्राम कर रहे हैं। जनक जी को सूचना मिली दिव्य प्रसंग है, कभी मौका मिलेगा फिर इसका चिंतन करेंगे। बुलवा के लाए हैं और पधरावनी करी है, कहां कहां ठहराया है। दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा सुंदर दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदन सुखद सब काला ताहा सुंदर सदन सुखद सब काला देवी दशरथ के दोनों ललनवा विराजमान सुंदर सदन क्या खासियत है इस सुंदर भवन की? ये जो सुंदर सदन है ऐसा वैसा नहीं है, ये जानते हैं किसका कक्ष है? ये श्री जानकी जी का निज कक्ष है जिसमें श्री राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को ठहराया है। और जानकी जी कौन है? भक्ति महारानी है। और राम कहाँ आते हैं? राम भक्ति जब हृदय में प्रकट होती है वहीं आते हैं। सिया के निवास खास सुंदर सदन मेरी सिया के निवास खास सुंदर सदन तो लागल कहानी के आसन विराजमान सुंदर सदन दशरथ के दोनों फटिक के दीवाल वा की वार सुवर्ण वा में रघुला अनेकन रतन वा विराजमान सुंदर सदन पहले तो टिकल रहे बीच में धनवा। आप कहां थे? आप
आम के बगीचा में रुके। जनकपुर में जब पहुंचे तो कहां रुके, आम के बगीचा में। लेकिन अब तो पहले तो टिकल रहिले बीच में दनवा, पहले तो टिकल रहे बीच में दनवा, अनुपम भ्रम आई के बगनवा विराजमान सुंदर सदन, दशरथ के दोनों ललनवा विराजमान सुंदर सतमा, जनक जी से जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा, जनक जी ले आई के टिकवले टिकल रहिए बीच मैदनवा। पहले तो बीच मैदान में रुके थे, ना तंबू ना कोई छत ना दीवार। अब राजा जनक जी पहुंचे हैं और चरणों में विनती करी है, तब तो जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा, जनक जी ले आई के टिकवले, और दिए जल पान और भोजनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के दोनों भीतर भीतर ललचे लक्ष्मण के मनवा, 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 भीतर 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 ललचे लक्ष्मण के मनवा, भीतर भीतर ललचे लक्ष्मण के मनवा, जरा तो कहीं देखी आई नगर के रचनवा विराजमान सुंदर सदन, देखी आई विराजमान सुंदर सदन, तनी देखी आई नगर के रचनवा विराजमान सुंदर सदन, देखी आई नगर के रचनवा विराजमान सुंदर सदन, दशरथ के दोनों ललनवा विराजमान सुंदर सदन, नारायण ने हनी सिया के बिरनवा, नारायण ने हनी सिया के बिरनवा, नारायण ने हनी सिया के बिरनवा, नारायण ने हनी सिया के पियरवा, पूज्य मामा जी श्री बक्सर वाले श्री भक्तमाली नारायण दास जी का पद है। इन्होंने संबंध जोड़ा कौन सा, कि हम मिथिला के हैं और जानकी जी हमारी बहन है, दीदी जू है, सखियां भी सब किशोरी जी को दीदी जू कहती हैं, जी जी, तभी तो पाहुना जीजा हुए, तो मामा जी श्री मामा जी ही इसने नाम पड़ा, क्योंकि किशोरी जी हो गई जी जी, राम जी हो गए जीजा, और लवकुश कौन हो गए भांजे, और लवकुश मामा मामा कहेंगे तो जगत मामा मामा कहने लगे, तो मामा जी कौन हुए, वीर, वीर यानी भाई। नारायण ने हनी भी सिया के बिरनवा, नारायण ने हनी भी सिया के बिरनवा, मनवा में करे अनुमनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के दोनों सदनवा विराजमान सुंदर सदनवा, सुंदर सदन सुखद सर्वताला तहां वासु ले मेरी करी पूजा सब विधि से बताई, कयो राम रह बिना भैया, दशरथ के दोनों ललनवा विराजमान सुंदर सदन, राजमान सुंदर
विराजमान हो गए हैं। भीतर भीतर ललचेला श्री लक्ष्मण जी के मनवा, आज तक जिनका मन नहीं ललचाया। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी श्री जीवाचार्य हैं। जीवों को अगर श्री राम तक, भक्ति महारानी तक कोई पहुंचा सकता है तो वो एकमात्र श्री लक्ष्मण जी हैं, श्री बलराम जी हैं और श्री नित्यानंद निताई चांद हैं। नारायण तक पहुंचना है तो शेष हैं, राम तक पहुंचना है तो लखनलाल हैं, श्री कृष्ण तक पहुंचना है तो दाऊ भैया हैं और श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना है तो श्री नित्यानंद निताई चांद। आज कैसे मन ललच गया जो श्री राम जी की इच्छा के बिना कभी नेत्र ऊपर नहीं उठाते, क्योंकि ये जीव आचार्य हैं, अपनी इच्छा नहीं है। जानते हैं कि जनकपुर ज्ञान और प्रेम को जहां अद्भुत संगम, नहीं तो जिस भूमि पे ज्ञान होगा वहां प्रेम नहीं होगा, जहां प्रेम होगा तो ज्ञान शून्य हो जाएगा। जनकपुर की विशेषता यही है कि यहाँ ज्ञान भी है और यहाँ प्रेम भी है। मंथन हो तो सतत निगमागम, तभी तो मंथन से इति मिथिला, तभी मिथिला नाम पड़ा है। ऐसा दिव्य धाम है जहां ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम है। लखनलाल जी सब जीवों पर कृपा करने के लिए आज इच्छा करते हैं। भीतर भीतर ललचेला श्री लक्ष्मण जी के मनवा, के देखी आई नगर के रचनवा, विराजमान सुंदर सदा, नगर की शोभा दिखाए। लागल जनकपुर में मेला, देखन को जिया मल चेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को जिया मचले, लागल जनकपुर में मेला, देखन को मेरा जिया करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को मेरा जिया करेला। पश्चिम दिशा से मुनि एक आईने, पश्चिम दिशा से मुनि जिनके संग मिले दौ चेला, हाँ संग मिले के दौ चेला, ये देखन को जिया करेला, देखन को जिया करेला। एक सावल एक गौर मनोहर, एक सावल एक गौर मनोहर, इन्हें देखन को जिया लल चेला, देखन को जिया करेला, देखन को जिया लल चेला, हमार मनवा देखन करे, लागल जनकपुर में मेला, हमार मनवा देखन करे, लागल जनकपुर विषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भाता सहित दिवस रहा। श्री राम लखन जी के हृदय में उत्कंठा को देखकर श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी के समीप आकर पूछा, रघुलाल लिहाल भये मम नैन, बिनो की छटा शुभ आनन किए, मन को सुख हो के ही भांति कहो, जब
अनु सिद्धि भई सब साधन की। अब चाहत अमृत में सुनो अभिलाष यही इन कानन की। कही हे तू लला आज तुम दोनों मुस्काए रहे वह बात कहो अपने मन की। कहूं हे तू लला मुस्काए रहे वह बात कहो अपने मन की। आज दोनों क्यों मुस्कुरा रहे हो बात बताओ आपके मन में क्या इच्छा है। श्री राम जी बोले नाथ कछु विनती सुनिए रघुराज चहे लघु बंधु हमारो पाए रजाए तिहारो प्रसन्न सो देखो मैं मिथिलापुर सारो मोही लजाए ये डरे तुमसे प्रभु बात नहीं कछु बैन उचारो। इसलिए हे नाथ हे गुरुवर आज मेरे छोटे भैया लखन लाल के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हो रही है। इनका मन कर रहा है ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच वश डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ डरे तुम सो प्रभु पाप नहीं कछु बैन उचारो। इसलिए जाऊं ले वाऊं मैं जाऊं ले वाऊं मैं आओ दिखाओगे जो प्रभु आयसु हो ये तुम्हारो। जाऊं ले वाऊं मैं आओ दिखाएंगे जो प्रभु आयसु हो ये तुम्हारो। नाथ कछु विनती सुनिए रघुराज चहे ये लघु बंधु हमारो। प्रभु लखन लाल जी के मन में एक इच्छा है मनवा हो लाल लल छाई गई ले
नगर के निकाई देख हमराई सुंदर नगर के निकाई। गुरुवर आप हमें लेकर वो आम के बगीचा में रुके थे ना, वो जनकपुर के बाहर जो बगीचा था, वो प्रवेश द्वार पर जो बगीचा था, लखन लाल का तो मन उसी बगीचे में अटक गया। बार बार कहते हैं या जिस नगर का बगीचा इतना मनोहर होगा तो वो नगर की शोभा कैसी होगी। प्रभु एक बार आप कहो तो ललचाई गई ले लक्ष्मण जनक जी के नगरी कगरी से देख ली जनक जी के नगरी। सभी कहते हैं किनारे से, अभी तो बाहर बाहर से कोने से देखा है बस, कगली से देख ली अब तो जनक जी के नगरी से अनुज समेत विशेष
विशेष रूप से एक अर्थ ये है और एक अर्थ क्या है विशेखी का, यानी सेखी भूल गए। अब तक बहुत सोचते थे कि अयोध्या जैसी शोभा कहीं नहीं है, अभी तो एक आम के बाग बरीद गए जानकी जी के। गोस्वामी जी कह रहे हैं बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहां लुभाई, वहीं लुभ जाता है। जहां पहुंची नयन वहीं थी चिपक जाइल मनवा हमरो, जहां से नयन वहीं थी चिपक जाइल मनवा हमरो, मनवा ओ नयनवा ए मनवा ओ नयनवा गई मन कि हम यहीं पे जीनी पहती, कि हम यहीं जमे रह जाएं, बस यहीं रह जाएं, अब तो कहां जाएं। अवसर जो पेती तब तो यहीं पे जीनी रहती हम तो, लखन है